यार मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, अब मेरा क्या होगा जीतू? वो देख, वही है तेरी इस हालत की जिम्मेदार। अगर बदतमीजी करी ना तो प्रिंसिपल बीसी के पास जाके कंप्लेन कर दूंगी। अरे आज सपना का यूटी का रिजल्ट है ना, आप जाओ ना स्कूल, जाके पता करके आओ। अरे जाओ, कोई जूते का हार लेके आओ, मैडम जी आई है टॉप करके। अरे क्या बोला मैम ने? सपना पास हो गई है। क्या? वो भी 99% से। गलती से गलत रिजल्ट बता दिया उसको। क्या? चलो सपना को बताते हैं। हाँ चलो 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 चलो। सपना तू पास है? अच्छा सुन, अब तो सब सॉर्टेड है ना, मैं घर जा रही हूँ। तरुण भी मेरा वेट कर रहा होगा ना, आज मैं उसी के साथ घर जाऊंगी। ओह किस नॉल होगी आज तो। टाटा, चल मैं जा रही हूँ, बाय। ठीक है, बाय बाय। आजकल तुम मुझे स्कूल के बाद मिलती क्यों नहीं हो? मैं रोज अकेला घर जाता हूँ। अरे तुम आओ पहले मेरे साथ बैठो, फिर बताती हूँ मैं। आजकल मैं बहुत ज्यादा बिजी चल रही हूँ, क्या बताऊँ। सपना पता है टेस्ट मिस हो गई थी, फिर उसने बीसी के पास से फोन चुराया और उसने टेस्ट दोबारा दिया, पता है, और फिर जाकर के टॉप किया है उसने। लेकिन तुमने सपना की तो हेल्प कर दी टॉप करवाने में, लेकिन तुम तो एक एवरेज ही स्टूडेंट रह गई ना। अरे यार मैंने जितनी मेहनत की थी उस हिसाब से तो मुझे मार्क्स आ गए ना। मेहनत तो लेकिन तुमने सपना के लिए भी की। उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। यार एक दोस्ती तो दोस्त की हेल्प करता है ना। मैं जा रही हूँ अब, चलो बाय। हाँ सुनो तो जीतू, वैसे तरुण बोल तो सही रहा था, खैर छोड़ो वो तो कुछ भी बोलता रहता है। मम्मी, गली के डॉगी को खाना दे रही हो या अपनी बेटी को खाना दे रही हो? सपना की माँ तो ना पागल ही हो गई है। हमारे जो मम्मी का ग्रुप है ना, उसने शोर मचा के रखा हुआ उसने। मम्मी साफ साफ बताओ, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो सपना ने टॉप कर लिया ना यूनिट टेस्ट में, तो सबके सामने मुझे सुना रही थी कि तुम्हारी बेटी चीतू तो बड़ी लकी है कि क्लास के टॉपर उसकी बेस्ट फ्रेंड है। ये खाना उसकी माँ को ही दिया जरा। आप जीत रहे हो पापा। जीतू मैं पापा हूँ। अच्छा आप मुझे कब सिखाओगे फिर? इसके सीखो। रुको। अरे तुम बाप बेटे खेलते ही रहोगे आज? क्या बनाना है मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। टिंडे बना लो। वो तो है ही नहीं। तो मम्मी गोभी बना लो ना, उसमें क्या है? वो भी नहीं है। तो जो मन करे वो बना लो। वो तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा करते हैं, सपना के टॉप होने की खुशी में बाहर से मंगवाते हैं। मुझे बर्गर खाना, बर्गर। मम्मी बर्गर है ना? ठीक है। स्कूल आ गया। बाय पापा। बाय बेटा। जीतू, जीतू तेरे से क्या हुआ? जीतू ओए, तूने सुना भी था मैं तुझे आवाज लगा रही थी नीचे अभी? नहीं सुना तो नहीं सुना, जरूरी है क्या मैं हमेशा तेरे पीछे पीछे घूमती रहूं? अच्छा चल छोड़ना, तुझे पता है रात को हमने पार्टी की थी घर पे, बर्गर खाए थे बर्गर, और पापा तो इतने खुश थे ना कि मैं तुझे क्या ही बताऊं।
उसे क्या हुआ? घर से लड़के आई होगी पक्का। पहले मैं इसकी हेल्प करूं हर चीज में, और इसकी मम्मी मेरी मम्मी की इंसल्ट करे, फिर ये लोग पार्टियां करें और मैं एक एवरेज स्टूडेंट बनके रह जाऊं इसकी स्टेफनी बनके, बिल्कुल भी नहीं। हाय, हे, व्हाट डू यू वांट नाउ? मुझे कुछ चाहिए तो नहीं, बस थोड़ा सा ना बुरा लग रहा है तेरे लिए। क्यों? मेरे लिए क्यों बुरा लग रहा था? आई एम ऑल राइट, ओके? तू होगी तो ऑल राइट, पर आजकल ना स्कूल में सब बच्चे यही बातें कर रहे हैं कि सुप्रिया मैम की बेटी के 92% आए हैं और सपना के 99%। चल निकल यहाँ से, फेलियर कहीं के। भगवान जी मुझे माफ कर देना, मेरी क्या गलती है, मैं तो अनु को बस सच से सामना करा रही थी। चलो जल्दी ले आओ, चाय ठंडी हो रही है। ले लो। प्रिंसिपल का फोन। हेलो। हाँ जी, सपना के पापा बोल रहे हो? भूपेंद्र जोगी जी। हाँ जी, हाँ जी, बोल रहा हूँ। मेरा नाम है प्रिंसिपल बीसी, अब तो कटेगी टीसी। हैं? क्या? आप स्कूल आइए, क्योंकि आपकी बेटी की आरती उतारनी है। जी जी, ठीक है ठीक है, मैं ना अपनी मिसेज को भी साथ में लेके आ जाता हूँ। लेके आओ मिसेज को, मिसेज के पापा को, दादा को, परदादा को, सबको लेके आओ। ठीक है ठीक है ठीक है। अब आएगा ना असली मजा। क्या कह रहे हैं सर? अरे जाओ जाके कोई अच्छी सी साड़ी पहन के आओ, प्रिंसिपल ने बुलाया, आज तो तारीख होके हार बनने वाले, बेटी ने टॉप किया है। हाँ? चलो भी तैयार होके आती हूँ। जल्दी जाओ। सपना जी, तो आपको प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया है। जीतू, मुझे लगता है आज तो प्रिंसिपल सर मुझे ट्रॉफी देने वाले हैं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, जल्दी चल। अच्छा बेटा, अब पता चलेगा ट्रॉफी मिलेगी या टीसी। अरे भैया कहाँ? अरे भैया, हमारी लड़की ने टॉप किया है। अरे रुको रुको, अरे भैया, अरे भैया, आपके स्कूल का नाम रोशन किया हमारी लड़की ने। चलो जी। हाँ, और ये गाड़ी पार्क कर देना। अबे पागल आदमी। मैं हूँ प्रिंसिपल बीसी, कार्ड देता हूँ सबकी टीसी। थैंक यू सर, थैंक यू। और आपको तो पता लग ही गया होगा, आपकी प्यारी बेटी सपना ने कितना बड़ा काम किया है। जी जी सर, हम तो बहुत खुश है, बहुत प्यारी बच्ची सर, वो तो बहुत पढ़ाई करती है। और सर आपको पता है, इसी खुशी में हमने ट्रीट भी दी थी उसको, मैंने बर्गर पार्टी रखवाई थी। मैडम, आपको शर्म नहीं आती? आपकी बेटी ने पूरे स्कूल की नाक में दम करके रखा हुआ है। पहले सुप्रिया मैम को बाथरूम में बंद कर दिया, फिर यूनिट टेस्ट की कॉपी चुरा के चीटिंग करके एग्जाम किया, और पूरे स्कूल में गाती फिर रही थी वो 99 मार्क्स से पास हुई है, और आप ऐसी बेटी में प्राउड फील कर रहे हो? अरे क्या आप भी छोटी छोटी बातों पे मिनी हार्ट अटैक ले आते हो? प्रिंसिपल सर आप थोड़ा शुभ शुभ बोलिए, हमारे पति जी को प्रॉब्लम है हार्ट अटैक की, उनको छोटी छोटी बातें दिल पे लग जाती है, और आपके चक्कर में हार्ट अटैक आ गया तो। वाओ मम्मी पापा, पर ये इतना गुस्से में क्यों देख रहे हैं मुझे, इनको क्या हो गया? अब पता चलेगा, बहुत कारिस्तानियां करती फिरती है ना स्कूल में। सपना ये क्या हो रहा है, सब ठीक तो है ना? चलो इनका काम तो हो गया, आई बड़ी। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, और अगर आप चाहते हो कि हम इस सीरीज के और भी एपिसोड लेकर आएं तो कमेंट सेशन में जरूर बता देना, और वीडियो पसंद आई होगी तो भर भर के लाइक कर देना और शेयर भी कर देना,
और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।